धृतराष्ट्र की जो धर्मपत्नी थी, क्या नाम था उसका? गांधारी। धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी गांधारी। अब गांधारी धर्मपत्नी थी? अरे बोलो तो, नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पति ने, पति के आंख नहीं थे, तो गांधारी ने क्या करा? आंख पे पट्टी बांध ली। इसको धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का लक्षण है, पति आंख से देख नहीं सकता, पत्नी अपनी आंख से देखकर पूरे भगवान के मंदिर का दर्शन करा दे। पति हाथ से काम नहीं कर सकता, पत्नी हाथ से काम करके अपने पति की सेवा करे। पति चल नहीं सकता, पत्नी अपने पांव से चलकर उसको धीरे धीरे तीर्थ करा दे। पति सुन नहीं सकता, पत्नी अपनी कानों से श्रवण कर उसको लिख कर बता दे। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। पर मंदोदरी जैसी, गांधारी जैसी दुनिया में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी विचित्र थी कि पति अंधा तो ये भी पट्टी बांध के अंधी हो गई कि जैसे तुम। अब घर में एक ही तो भारी पड़ रहा था, दूसरी ओर हो ये गांधारी। बड़ी विचित्र, पति से ना बने वो कर्म पत्नी करे। पति बोल नहीं सकता, वो बोल कर समझाए, वो समझाए। सुन नहीं सकता, सुनकर बताए। देख नहीं सकता, नैनों से दर्शन कराए, अपने नैनों से। आज भगवान ने ये वाले वस्त्र पहने, आज भगवान ने नीले वस्त्र पहने, आज भगवान ने गुलाबी वस्त्र पहने। ये धर्म पत्नी, पति देख नहीं सकता, वो समझा। चंचुला जो थी वो धर्म पत्नी तो थी, पर पति के साथ में रहती रहती जैसा बिंदुक था वैसी हो गई। अब बिंदुक कैसा? बिंदुक पहले तो सही साथ चलता रहा, भगवत स्मरण चलता रहा, भजन चलता रहा, रहता है। जब नई नवेली बहू आती है ना, तो बहुत अच्छा, सुबह जल्दी 5:30 बजे जग भी जाती है, काम भी कर लेती है, इतना पल्लू भी धर लेती है। नई आई तब, मैं पुरानी होने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, मैं नई आई है तब की बोल रहा हूँ, तब तो इतना पल्लू भी रख लेगी, थोड़ा 5:30 बजे उठ भी जाएगी, और धीरे 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 बस 6 महीना 8 महीना साल भर निकला, उसके बाद मैं नहीं बोलूं तो अच्छा है, नहीं बोलूं तो अच्छा। साल कितनी सुंदर बात कही महाभारत में भीष्म पितामह ने अर्जुन को समझाया भोजन का लक्षण। 4 तरह का भोजन बेकार होता है। कितनी तरह का? महाभारत में लिखा है, भीष्म पितामह अर्जुन को कह रहे हैं 4 तरह का भोजन बेकार। पहले नंबर का, जिस भोजन की थाली में ठोकर लगी हो वह दरिद्रता प्रदान करता है, ठोकर लगा हुआ भोजन। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को लांग गए हो वो गंदगी के बराबर होता है। भोजन की थाली जिसको लांग गए, वो थाली का भोजन गंदगी के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के। और चौथे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, वो मदिरा के बराबर। किसके बराबर? मदिरा के बराबर। और शास्त्र कह रहा है, भीष्म पितामह ने अर्जुन को महाभारत में समझाया कि जिस भोजन की थाली में पति भोजन कर ले और पति के भोजन करने के बाद में पत्नी भोजन कर ले, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रसाद से भी बड़ा महाप्रसाद हो जाता है। महाप्रसाद है वो, पति भोजन कर ले और पत्नी उसी थाली में खाए। और कितनी सुंदर एक बात लिखी है कि अगर बाप बेटी जब तक कुंवारी है, बेटी अगर कुंवारी है और बाप की थाली में अगर बैठकर भोजन कर रही है, तो बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती है। इसलिए हमेशा याद रखो, जब तक घर में बेटियां कुंवारी रहे, तब तक वो अपने पापा की थाली में, अपने पिता की थाली में, अपने बाबूजी की थाली में भोजन करे, अपने बापू की थाली में भोजन। बेटी बाप के काल को हर लेती है। 3 है काल हरने वाले, बेटी, गौ और ब्राह्मण, ये काल को हरते हैं। बेटी पहले नंबर पर जो काल को हरने वाली है, दूसरे नंबर पर गौ जो काल को हरती है, और तीसरे नंबर पर ब्राह्मण, ये काल को हर लेते हैं। पर इन तीनों के आने पर घर की भाभियों का मुंह तबेला हो जाता है। बेटी घर में आ जाए तो भाभियों का मुंह फूल जाए, वापिस आ गई, अम्मा पे चौकीदारी बढ़ जाएगी, कहीं अम्मा कुछ निकाल के नहीं दे। जब तक ननन घर में रहेगी, तब तक भाभियों की चौकीदारी रहेगी। जीजी तू उधर देख, देवरानी इधर देख, जेठानी उधर देख, और छोरा छोरी को पीछे छोड़ दिया कि बुआ जी का ध्यान रखना, क्या अम्मा देरी बता दे रहा हो। अम्मा क्या दे रही है वो बता। तो छोरा छोरी दिन भर लगे रहते हैं इधर उधर, क्या दे रही है, क्या दे रही है।
दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।